बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी कुछ खाने पीने के मुतालिक ही है, तो मैं भी बनाने लगी थी पुलाव बिरयानी। आपने इससे पहले चिकन बिरयानी खाई होगी या क्या कहते हैं बीफ खाई होगी, मटन खाई होगी, तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी चिकन पुलाव बिरयानी। तो उसके लिए जो मुझे इन्ग्रीडियंट्स मुझे चाहिए बहुत सिंपल से हैं और आसान से हैं और जल्दी से झटपट से बन जाती है। मैंने चिकन लिया है इसमें तकरीबन 1 kg के करीब, वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, आप जितना लेना चाहें ठीक है। और राइस मैंने लिए हैं जी बासमती राइस हैं, ये तकरीबन 1/2 kg के करीब हैं। और 3-4 मुझे मैंने लिए हैं जी अनियन। अच्छा, ये चावल जो है ना, ये हमारे यहाँ मानसरा में ये सबसे अच्छे वाले चावल है, ये 370 रुपये किलो है। तो बाकी जो आप व्यूवर्स हैं ना, वो हमें बताएं आपके एरिया में बासमती अच्छा वाला चावल किस तरह से किलो मिलता है। अच्छा बासमती चावल, हाँ यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी है, 370 रुपये केजी है। और ना और टमाटर है इसमें, मैंने 4-5 ले लिए हैं। इसका छिलका मैं मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उतार देती हूँ हमेशा ठीक है। और ये शान वालों का जी शुक्रिया, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे मसाले बनाए हमारे लिए नहीं अच्छी अच्छी रेसिपी जिन्होंने दी अच्छा, है ना। अच्छा। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, तो ये मिला टेंशन मिलती है वैसे फ्री में पाकिस्तान में। तो वो मैंने एक साशी यूज़ करना है इसके अंदर, और बाकी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है कि आप जितने स्पाइसेस यूज़ करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने लाइट सा बनाना है जी और झटपट से बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चावल जो है मैंने इनको अच्छे से धो के, तो इसको मैंने सोक कर लेना है। जितना ये चावल अच्छे से धोएंगे ना आप, तो उतना अच्छा बनेगा। सोक कर लेना है इसको, चलो ठीक है। नहीं यार, सबको पता होता है, आपसे यूट्यूब का दौर है, हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो इसको हम भिगो देते हैं धो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ्लेम हमने ऑन कर दी और ये चावल जो है मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और सबसे ख़ास बात मैं जो आपको बताने लगी हूँ ना, कि मैं बना रही हूँ इसको प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में चावल कैसे बनते हैं और कितने टाइम में बनते हैं, ये आप मेरे साथ रहिएगा पूरी वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। तो चलें जी, मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, उस पर ज़रूरत मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। आप इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब ये गर्म हो रहा है थोड़ा ऑयल, तो इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आप डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। मैं तो हाथों से ही काम करती हूँ सारे, चम्मच चम्मच यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए ज़ीरा की खुशबू आने लगी है, तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन। अच्छा, मसालों में ना मैंने इस मसाले के साथ मैंने 1/2 चाय के चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चाय के चम्मच जो है गर्म मसाला पिसा वो भी शामिल किया है। ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी है, स्पाइसी जितने आप ज़्यादा रखना चाहें आप रख सकते हैं। प्याज को हम ब्राउन करने के लिए जल्दी से मैं आपको टिप दे देती हूँ। आपने इसमें डाल रहा है थोड़ा सा नमक, तो ये जल्दी से जो है ना वो ब्राउन हो जाता है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। ये देखें प्याज जो है ना ब्राउन हो गया था, गोल्डन ब्राउन, और उसमें मैंने चिकन डाल के अभी इसको 3-4 मिनट से हाई फ्लेम पे इसे ब्राउन कर देना है। देखेंगे अच्छा तो सा कलर आ जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। जी तो ये देखिए हमारा तकरीबन 4-5 मिनट इसको ना अच्छे से प्याज में चिकन को जो है ना फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें जो है स्पाइसेस जो है मसाला जार जो है वो शामिल करूँगी। हाँ अब मैं इसमें डालूँगी, देखें टमाटर में ना सॉफ्ट हो गए गल गए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मसाला, और साथ में जो मेरा गरम मसाला था। अब अच्छे से इसको मिक्स करूंगी मैं, और इसमें आप यहाँ पे शामिल करना चाहें अगर दही तो वो भी आप कर सकते हैं।
नहीं है तो आप कोई बात नहीं, पानी शामिल कर लें। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है ना वो जले ना, चिकन भी हमारे पास टेंडर हो जाए। बहुत ही प्यारी किस्म की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है मुझे इस टाइम, बहुत सख्त किस्म की भूख भी लग रही है। सारा दिन आदमी ने खाना शाना नहीं खाया, बिजी थी थोड़ा, तो मैंने कहा चले इस टाइम झटपट से ये बना लेती हूँ। राइस मज़े के भी होते हैं और बच्चे भी शौक से खा लेंगे जी। तो ये देखें मसाला मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो गए और चिकन आलमोस्ट गल गए, तो अब इसमें दो गिलास पानी जो है वो डालूँगी। जब भी चावल ना आपने भिगोए हों तो आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। नमक मैंने जो है ना शुरू में ज़रा सा डाला था, तो अब इसमें एक चम्मच जो है वो नमक डाल रही हूँ। और देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए, तो अब मैंने इसमें चावल डाल देने हैं। मैं अच्छे से इसमें चम्मच चला के मिक्स कर देती हूँ इनको। अच्छा मैं आपको आसान सी टिप बता देती हूँ, ठीक है ना। ये चावलों से ना आपका पानी जो है इतना ऊपर होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इंच टिप नहीं, एक इंच तकरीबन दो इंच, दो इंच तक ना। ये देखें फिंगर टिप आपकी, बस ये वाली जो आपकी फिंगर है ना इसकी इतनी टिप जो है ना ऊपर होनी चाहिए, तो फिर आपके परफेक्ट चावल बनेंगे। वो पानी ना कम होगा ना ज़्यादा, पानी मतलब इतना होना चाहिए चावलों के ऊपर। हाँ तो वो अच्छा। परफेक्ट चावल बनते हैं आपके, ठीक है। अच्छा। उसमें फिर आपको टेंशन नहीं होती है कि चावल आप लोगों को टेंशन लगी रहे ना कि गल ना जाए ज़्यादा, वो कुछ उम्र ही ना बन जाए चावलों का, तो वो फिर ऐसे नहीं होगा। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ 3-4 हरी मिर्चें, और ये मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाया है पुदीना। कितना बड़ा किचन गार्डन है, बहुत ही बड़ा, इतनी बड़ी क्यारी भरी हुई है, क्यारी वाला किचन गार्डन जो है ना। मिर्ची जो है, हाय हाय ये क्या हो गया, दीवार पे चला गया, कोई नहीं साफ ही मैंने करना है। तो क्या प्यारी खुशबू आ रही है जी व्यूअर्स, अगर आप इस टाइम मेरे पास हो ना तो आप कहें क्या मतलब, वो टेक्नोलॉजी आई नहीं अभी तक जो कि खुशबू आप तक पहुंचा सके, इन फ्यूचर शायद वो टेक्नोलॉजी भी आ जाए। आई विश के वो टेक्नोलॉजी हो, भी सूंघ सके। हाँ तो क्योंकि अभी मैं बनाने लगी इसको प्रेशर कुकर में, अभी ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। अभी मैंने लगाना है इसको प्रेशर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह 5 मिनट्स के बाद जो हमारा पुलाव है वो रेडी हो जाएगा जी। अब ये लगा दिया मैंने प्रेशर, 5 मिनट बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, तो प्रेशर कुकर को जो है ना मैंने वो कूल डाउन कर लिया था, गुस्सा ठंडा कर लिया था मैंने, देख लें इसकी सीटी फीटी मैंने उतार के फेंक दी। अब मैं इसको खोलती हूँ तो देखते हैं अंदर के क्या नज़ारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा पुलाव बिरयानी है वो रेडी हो गया है। अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है, अभी हमने पता है क्या करना है, अभी हमने जो इसकी असल चीज़ है ना हमारा ये होता है। हाँ बिरयानी है ना, पुलाव बिरयानी है, तो हमने इसको थोड़ा सा टच देना है। ये देखें वैसे अपना कलर भी इसका इतना प्यारा है ना, ज़बरदस्त। ये देखें झटपट से 5 मिनट के अंदर अंदर प्रेशर कुकर में, और फार्मूला देखें, मेरे चावल देखें कितने मज़े के खड़े खड़े बने हैं। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर गरम मसाला डाल के ना इसको मैं दम पे रख दूँगी, तो फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी खूबसूरत सी प्यारी सी यम्मी सी रेसिपी कैसी लगी आपको, आपने फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। मेरा गरम मसाला खो गया है, वो नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ गया। चलिए शुक्र है मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। चम्मच कर मैंने इस्तेमाल करी, मैंने फिर अगेन हाथों का इस्तेमाल करना है। ये देखें ये से मैंने इसके ऊपर छिड़काव कर लेना है, कौन सा। हाँ हाँ ये देखें इसको मैंने इससे मज़े से इसके ऊपर छिड़काव कर लेना है, छड़क छड़क के मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको दम पे लगा देना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो फिर 5 मिनट के बाद आपको सर्व करके बताती हूँ कैसी लगेगी आपको मेरी ये रेसिपी, मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। क्या बने हैं ना। जूसी किस्म का, मजेदार किस्म का बिरयानी पुलाव। आई थिंक इट्स एनफ दिस प्लेट। अभी आपने सीढ़ी बनानी है।